हे एवरीवन, वेलकम बैक विथ अनदर ब्लॉग। सो गुड मॉर्निंग, आप सभी को हो चुकी है सुबह और मैं नहा धो के पूजा वगैरह कर ली हूँ। सो आज का ब्लॉग बहुत डिमांडिंग ब्लॉग है। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी आप अपनी बेबी का जो फुल डे रूटीन है वो शेयर करो, कि वो कब सोता है, कब उठता है, कब आप उसकी मालिश करते हो या कब नहलाते धुलाते, मतलब एक प्रॉपर वीडियो बनाइए जिससे कि हमें हेल्प मिल सके। जो क्वेश्चंस आए हैं उसको मैं कहीं पर अटैच कर दूंगी, आप लोगों को कमेंट्स पढ़ लेना। सो मैंने सोचा कि भाई हमें तो आपकी डिमांड पे ही वीडियो बनानी है, सो इस वीडियो को शूट किया जाए। सो एक मिनट, अभी मेरे बाबू सो रहा, मैं दिखाती हूँ। अभी बाबू सो रहा है। उसका क्या रूटीन रहता है, जब वो रात को सोता है उसके बाद से डायरेक्ट उठता है, सुबह 6 बजे या 7 बजे उठेगा जब उसे भूख लगेगी, और उसके बाद से फिर वो पीर वगैरह करेगा, दूध पिएगा और फिर सो जाएगा। उसके बाद से उठता है 9:30 से 10 बजे के बीच। कभी कभार मतलब एक होता है ना कि बच्चों का तो मूड का कोई भरोसा नहीं, बट मैक्सिमम वो 9:30 से 10 के बीच ही उठता है। ऐसे कभी 8:30 पर उठ गया तो उठ गया। सो 9:30 से 10 बजे के बीच उठेगा, थोड़ा सा खिलाएंगे उसको, थोड़ी देर खेलेगा वो, उसके बाद से फिर मैं करती हूँ उसकी मालिश। सो बात तो सिर्फ नहीं बताते हैं, मैं जब करूँगी तो सारी चीज़ें दिखाऊँगी। सो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। फिलहाल हम अपने नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं, पति देव जी को ऑफिस निकलना है। गुड मॉर्निंग राधे कृष्ण बेटा। बेटू बाबू भाई, अरे मम्मा का भी देख लो राधे। अरे ओए मम्मा का देखो, देखना भाई। बेटू राधे कृष्णा। ओ गुल्लू राधे राधे। तो इनकी नींद खुल चुके, पहले खा लो खा लो। इनकी नींद खुल चुकी है, इनकी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। सभी लोगों का कमेंट आ रहा है कि दीदी अपने बाबू का डेली रूटीन बनाइए कि कब वो उठता है, कब वो सोता है, कब नहाता है, कब मालिश कराता है। वही बना रही हूँ, लोगों की डिमांड मैंने सोचा पूरी कर दे। बाबू गुड मॉर्निंग। ये दो बार उठता है सुबह। हाँ ये दो बार उठते हैं, एक बार उठ के सो जाते हैं, दूध दूध पी उठते हैं, खेलते हैं, आधा घंटा पूरा एक्सरसाइज करते हैं, देखो नौटंकी, उसके बाद फिर सोते हैं। तो फिर अभी उठते हैं 9:30 पे, ये भी ये मेला है, पापा को जाना होता है तो पापा से मिलने के लिए उठ जाते हैं, और फिर 10 बजे सो जाएंगे खा पी के। यहाँ पर जब बाबू सो करके उठा तो दोनों मम्मा बेटा थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। मतलब छोटा बच्चा जब अपना खुद का होना और उसके साथ ऐसे खेलना, वो आपके साथ खेले, आपके हाथ मतलब हाथों से आपके चेहरे पर हाथ फेरे, मतलब बहुत अच्छी लगती है सब चीज़ें। तो बस वही थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे बाबू के साथ हम, उसके बाद से फिर इसको नहलाएंगे। सो लगभग 10 बजे, मतलब 9:45 से 10 बजे के बीच में मैं इसकी मालिश करती हूँ। डेली का ये रूटीन है कि मालिश इस टाइम पे इसकी होनी ही होनी है, और उसके बाद से फिर फीड कराते हैं और फिर ये सो जाता है थोड़ी देर में। सो जनरली पहले मैं जब ठंड थी तो मैं इसकी जो मालिश है वो सरसों के तेल से करती थी, क्योंकि सरसों का तेल एकदम गर्म होता है, इसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। और घर का सरसों तेल हो, प्योर सरसों तेल हो, तो शरीर में मतलब सरसों के तेल से बेटर कुछ नहीं है, जितना मैंने सुना है बच्चों की मालिश के लिए, ताकत के लिए सरसों का तेल बेस्ट है। बट इस टाइम पे गर्मी इतनी ज़्यादा है तो मैं अभी सरसों का तेल नहीं यूज़ कर रही हूँ।
कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि वो भी ज़रूरी है, बट डेली बेसिस पे अभी नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं सरसों का तेल। तो अभी मैं इसकी जॉनसन बेबी से ही मालिश करती हूँ, जॉनसन बेबी या जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, ये दो ही तेल हैं जिससे मैं इसकी मालिश करती हूँ अभी डेली। कभी जॉनसन बेबी से कर लिया, कभी ऑलिव ऑयल से कर लिया। ऑलिव ऑयल से बच्चे गोरे भी होते हैं ऐसे सब लोग कहते हैं, और मजबूती भी काफ़ी आती है। खैर मेरा बच्चा ठीक है, न काला है न बहुत ज़्यादा गोरा है। तभी इनकी हम करेंगे मालिश, इनको मालिश कराने में बहुत मज़ा आता है। बच्चों की भी लेटे लेटे पीठ में दर्द हो जाता है, बेचारे दिन भर लेटे ही रहते हैं। जैसे कि जैसे भी आप लोगों ने डिमांड करी कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाओ, सो मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। ऐसे कोई भी वीडियो अगर आप लोगों को लगे कि हाँ मुझे बनाना चाहिए, चाहे वो ब्लॉग में हो या ऐसे बच्चे से रिलेटेड कुछ हो या मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ हो, तो आप लोग कमेंट करना, मैं वो सारे ब्लॉग बनाऊँगी। मतलब देखना आप लोग को है यार, तो हम ब्लॉग भी आप ही के हिसाब से बनाया करेंगे। शौके उठ गए, अरे बापले अरे बापले, तो
तो ये दस आप अब उबाल खींच रहे, ये 10 बजे मालिश वालिश करा करके सोता है, फिर 11, 11:30, 12 बजे तक उठता है, और फिर नहाई धोई करता है। और अब इनकी पाउडर से मालिश होगी। अभी फिलहाल में इसके मतलब पता नहीं इसको गर्मी इतनी होती है या क्या रीज़न था, खैर गर्मी से ही है इसको ना, मतलब एसी में रहने के बावजूद इसके सिर्फ इतने एरिया पे घमौरी निकली हुई थी। तो बाकी जिसके भी बेबी को गई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए मैं बता दे रही हूँ। तो घमौरी निकली थी और रेड से पूरे चेहरे पे जैसे दाना दाना, और सर में भी इसके दाना होते हैं, इसलिए मैं इसको ऑयल सर में लगाना थोड़ा सा कम कर दी थी कुछ देर के लिए। तो डॉक्टर से बता करके हमने दवा लिया, पाउडर मंगाया, दवा वगैरह तो हम बहुत 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 ज़्यादा अवॉइड करते हैं। सो अब अब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर करके है, अब खाली देर में अगर किसी के भी बेबी को कोई प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत ज़्यादा रेडनेस या दाने से हो रहे हैं तो वो इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पाउडर है, मतलब लगाने के 2 दिन में इसको काफ़ी ज़्यादा फर्क मिल गया। तो अब इनकी मतलब इनकी टोटल पहले तेल से 4 बार मालिश होती थी जब थोड़ा सा ठंडक वाला माहौल था, बट गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तब इनकी 2 बारी सुबह शाम ऑयल से मालिश हो जाती है, और 2 बारी एक अभी नहाने के बाद, और एक रात में सोने से पहले इनकी पाउडर से मालिश होती है। और पहले इस तरीके से करके चलता है, और नहाने में बिल्कुल भी नहीं रोता। पहले फेस पे अगर साबुन वगैरह लगाते थे तब रोता था, बट अब वो भी नहीं रोता है, जान गया है तो लगना है ये रोना क्या। और डेली हम हेयर वॉश भी नहीं करते हैं इसका, 2 से 3 दिन में एक बारी। तो बाबू की अच्छी अच्छी रील्स देखने के लिए, इनकी वीडियोस देखने के लिए, इनके सारे अपडेट देखने के लिए इनके इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिएगा, युवांश पंडित 05 करके है। मैं डिस्क्रिप्शन में इनके आईडी का लिंक भी शेयर कर दूंगी, जिस पर आपको सारी अपडेट्स इनसे रिलेटेड मिलती रहेंगी। तो ये जो इनका बाथ टब है, ये मतलब हमारे घर में सब इनको लेकर के इतना ज़्यादा क्रेज में हैं, और कि मतलब इनकी जो चीज़ें यूज में नहीं भी हैं वो भी 1-2 महीने पहले ही आकर के रखी है, जब 3 महीने के थे, जब ये टब में नहाने लायक नहीं था। अभी भी खैर नहीं है, मतलब कि बैठ नहीं पा रहा है अभी, मतलब बैठना नहीं सीखा अभी इसने, तो अभी भी इसको बाथ में नहलाना कोई वैसा नहीं है। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जैसे पकड़ के बैठा सकते हैं। अच्छा ये इसके मतलब इसको हमने शुरू से ही आदत डला रखी है कि इसको डेली मतलब जिस दिन से इसने नहाया उस दिन से, बीच में एक आधा दिन काफ़ी ज़्यादा जब ठंड पड़ी है तब नहीं नहलाया है, थोड़ा सा ऑयल किया है, बट इसको नहलाया। अभी भी जैसे बारिश हुई थी ना तो पानी बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा आने लगा था, मौसम ठंडा हो गया था, बट नहलाना नहीं छोड़ा क्योंकि बच्चे को आदत जब रहती है ना तो चिड़चिड़ा सा होने लगता है नहाने का। तो अब इनको पहनाएंगे डाइपर, और फिर ये उतर जाएगा कितनी देर बाद बेटा, 2-3 घंटे में फिर इनका डाइपर उतर जाएगा।
बीच में पोटी कर दी तो पहले पोटी पोटी कर दी था करना नहीं करना नहीं जब ये जगे रहते हैं तब तो काजल लगवाते नहीं है तो अभी सिर्फ इनके माथे पे टीका लगा देते हैं ताकि नजर वजर ना लगे क्योंकि यार खुद की भी नजर लग जाती है जब ये सो जाते हैं आंखों में काजल इसके तब लगाते हैं और घर का बना काजल लगाते हैं ना अभी तक घर का बना काजल लगाते हैं क्रीम हो लोशन हो ए टू जेड सब कुछ हम जॉनसन्स बेबी का ही यूज़ करते हैं। फिलहाल अभी मैं इसको ना इसके बॉडी पे लोशन लगा रही हूँ ना इसके क्या बोलते हैं फेस पे क्रीम लगा रही हूँ इस वजह से क्योंकि इसके जो दाने हो रखे हैं इसलिए सबने जो डॉक्टर से ये पाउडर लेके आए यही लगा रहे हैं हम इसको तो इसकी वजह से भी हम कुछ अवॉइड कर दिए हैं नहीं तो इसका पाउडर भी जॉनसन्स बेबी का ही हम यूज़ करते हैं। मेरा बेटा ना लिया रेडी हो गया अब ये सो जाएंगे थोड़ी देर में और अब ये थोड़ा सा 5-10 मिनट खेलेगा उसके बाद से फिर फीड करेगा और फिर सो जाएगा उसके बाद से फिर ये जैसे 1 से 1.5 अभी 1 बज रहा है और 1:30 बजे के समथिंग ये सो जाएगा उसके बाद से उठेगा सीधा 4 बजे के आसपास 4 से 4:30 के बीच में उठेगा उसके बीच में नहीं उठना है इसको इस वजह से हम इसको डाइपर पहना देते हैं ताकि रिलैक्स होकर के सोए क्योंकि ये मेरे को ऐसा लगता है जनरली हर बच्चों की आदत होती है कि गीला करते ही तुरंत उठ जाते हैं तो इसी वजह से हम इसको दोपहर में भी नहाने के बाद से डाइपर पहना देते हैं ताकि आराम से मेरा बेटा सो सके। और आजकल ये शाम होते होते काफ़ी ज़्यादा आफत करने लग रहे परेशान करने लग रहे हैं ना इनको दूध पीना रह रहा है ना सोना रह रहा है और बस रोना रह रहा है। क्या है कैमरे का फ्लैश जल रहा है तो इनको कैमरे में ही देखना है क्या हो गया अब दिखाओ अपनी नौटंकी अब दिखाओ अपनी कारीगरी क्या कर रहे हो तब से चिल्ला रहे हो इतना रो रहे हो मतलब मैं चाय नहीं पी सकती हूँ शाम को दिन भर इतना शांत रहता है लगता है इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं और शाम को तो भैया शाम होते होते जो ये दोपहर का सो के उठता है क्या हो गया तो ये जो शाम को उठता है 4:30 के आसपास उठता है उसके बाद से ये शांत नहीं बैठ सकता है लड़का मतलब भूखा भी रहता है तो इसको दूध नहीं पीना रहता है ये इनकी हालत रहती है भूख लगी है लेकिन दूध नहीं पीना है फिर सोना भी नहीं है बहुत परेशान कर देते हैं शाम और सो अब यहाँ पे इनकी शाम की मालिश होगी और इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है तो इसको कुछ ना कुछ दे कर के हाथ में तब मालिश करवानी पड़ती है ताकि ये थोड़ा सा उसमें उलझा रहे तब मालिश कर ले। तो मालिश सुबह का मैंने दिखाया था तो शाम को मैंने ऐसे फास्ट कर दिया है वीडियो और बस आपको दिखाने के लिए कि हाँ इस टाइम पे ये मालिश होती है हमारी। तो इस तरीके से रह के बाबू का पूरा फुल डे रूटीन रहता है कब सोता है कब उठता है कब मालिश होती है कब नहाता है जो कि सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की है। और इसके बाद से फिर रात में आप देख सकते हैं रात के 12 बज गए हैं और रात में इसको पाउडर वगैरह सब कुछ लगा करके मालिश कर दी है डाइपर पहना दिया है और अब ये सोएगा तो 11:30 से 12 बजे के बीच ये सो जाता है। तो अब ये सोएगा अभी भी देखिए कैमरा देखिए कैसे खुश हो रहा है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। सो इसी के साथ मेरा ये व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए टाटा बाय बाय चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा बाय।